दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीट ग्रास के क्या क्या फ़ायदे हैं। वीट ग्रास जिसे कि हम गेहूँ के ज्वारे भी कहते हैं, बिल्कुल अमृत के जैसे ही काम करता है। गेहूं के ज्वारे का रस बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है वीट ग्रास जूस। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक पुरानी सी ट्रे में गेहूं के कुछ दानों को डाल दिया था, मुट्ठी भर दानों को मैंने इस ट्रे में स्प्रिंकल कर दिया था, हल्का सा पानी छिड़क दिया था और एक गीले कपड़े से कवर करके रखा था। 7 से 8 दिन में इतनी बढ़िया हमारे गेहूँ के ज्वारे उग गए हैं। तो जब आपकी मर्ज़ी है इसकी कुछ कटिंग कर लें, आप चाहें तो कैंची की सहायता से ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि ये दोबारा भी ग्रो होती हैं। और फिर उसके बाद इस ग्रास को आप खूब अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लें और उसके बाद बारीक बारीक काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका जूस तैयार कर सकते हैं। और हम सबको वीट ग्रास जूस ज़रूर पीना चाहिए दोस्तों, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो आप देख रहे हैं अच्छी लंबी हो गई है। वैसे भी दोस्तों आपको 7 इंच से ज़्यादा लंबी नहीं करना। आप सोचेंगे इसे बढ़ने देते हैं, अच्छा लंबी लंबी होने देते हैं। 7 इंच के बाद जब ये इसकी लंबाई हो जाती है उसके बाद भी यदि आप बढ़ाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होने लगती है। यदि आप चाहते हैं गेहूं के ज्वारे का रस आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे तो आपको इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 7 इंच तक आप इसे लंबा करें, उसके बाद आप कैंची की सहायता से ऊपर ऊपर से काट लें, जड़ वाला नीचे वाले हिस्से को आप थोड़ा सा छोड़ दें। वैसे अभी मैं आपको वीडियो के एंड में इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। रोज़ सुबह के समय आपको खाली पेट वीट ग्रास जूस को लेना है। जब भी इसका जूस बनाएं हमेशा ताज़ा ताज़ा पिएं, रखा हुआ जूस कभी ना लें कि आप सोचें अरे बना के रख देते हैं फ्रीज में, दोपहर को लेंगे या शाम को लेंगे। बिल्कुल नहीं, इसे बनाकर ना रखें, ताज़ा ताज़ा ही पिएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है हमें वीट ग्रास जूस। कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकता है और जो कोशिकाएं बन गई हैं दोस्तों उन्हें यह ख़त्म करता है, इसलिए डॉक्टर अलग से सलाह देते हैं इस समय की वीट ग्रास जूस आप ज़रूर पिएं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसे उगाना इतना आसान है और गेहूं तो सबके घर पर होता है, आपको मात्र केवल एक मुट्ठी गेहूँ की ज़रूरत है। डायरेक्ट सनलाइट में रखें, जितना अच्छा इसे सनलाइट में रखेंगे इसमें उतनी ही ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। 1-2 दिन में एक बार हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दें। आप चाहें तो इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, मैंने तो इसे बिना मिट्टी के लगाया है, सिर्फ गेहूं को इस तरह से ट्रे में डाल दिया था और ऊपर से मैंने एक गीले कपड़े से कवर कर दिया था 3 से 4 दिन के लिए। और 3-4 दिन में ही इसके छोटे छोटे से अंकुर निकल आते हैं, ये स्प्राउट हो जाते हैं और बस फिर इसे बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 सप्ताह के अंदर ही आप वीट ग्रास को लगा सकते हैं और 1 सप्ताह में ही आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बस अब कैंची की मदद से मैं इसे बंच में पकड़ूंगी और फिर इसके छोटे छोटे से इसकी कटिंग कर लूँगी और खूब अच्छे से धोएं, जूस बनाएं, ताज़ा ताज़ा जूस पिएं। जूस में आपको नमक नींबू मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसका जूस अपने आप में ही बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ऐसे ही पिएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारी वीट ग्रास तैयार।